देखिए, इसे समझने की जरूरत है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल में सभी पेंशनर्स का प्रोफाइल अपडेट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या उसमें कुछ अपडेशन करना है या फिर फैमिली डिटेल्स में अपडेट करना है, सेम इसी तरीके से जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आता है वो बैंक अकाउंट अगर आपको अपडेट करना है तो बहुत सारे पेंशनर्स का ये अपडेट नहीं हो पाता है और बहुत सारे पेंशनर्स का ये अपडेट भी हो पाता है। तो देखिए, अगर आपने ETH इंडिया चैनल को शुरू से फॉलो किया हुआ है तो हमने आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें और सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताएं। तो देखिए, अपडेट करने की जहां तक बात है तो सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं और उसके बाद आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में समझ आ जाएंगी। तो लॉग इन करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको spurs.defensepension.gov.in के ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है और यहाँ पर जस्ट हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड हमें देना होता है और उसके बाद जस्ट हम यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। देखिए, लॉगिन करते ही सबसे पहले आपके सामने जो ये अलर्ट मैसेज आता है, इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्री 2016 पेंशनर और पोस्ट 2016 पेंशनर का, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, एज पर सिस्टम रिकॉर्ड्स यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए प्री 2016 पेंशनर एंड योर स्पर्स अकाउंट हैज लिमिटेड एक्सेस। तो कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अभी आप प्री 2016 पेंशनर, मतलब 2016 से पहले के रिटायर्ड है। अब जब आप 2016 से पहले के रिटायर्ड है तो आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोफाइल अपडेट्स, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी, हैव बीन डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट अंटिल फर्दर नोटिस। तो सिंपल सी बात है कि अगर अभी आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है, फैमिली डिटेल्स करना है, बैंक डिटेल्स करना है, तो ये अभी आपके पोर्टल पर डिसेबल्ड है, अभी आप इस पर यह अपडेट नहीं कर सकते। ये वो पेंशनर्स हैं जो प्री 2016 पेंशनर है, यानी कि 2016 से पहले रिटायर्ड हुए हैं। यहाँ पर एक मैसेज और डिस्प्ले हो रहा है, वो है इंटीमेशन शैल बी मेड बाय SMS और ईमेल वंस द सर्विस आर इनेबल्ड। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ये सर्विसेज इनेबल्ड होंगे आपके लॉगिन पैनल पे तो इसके लिए आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेना है कि अगर आप प्री 2016 पेंशनर हैं तो वहां पर आप डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप पोस्ट 2016 पेंशनर है, यानी कि 2016 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, तो ये सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चाहे आप प्री 2016 पेंशनर हो या पोस्ट 2016 पेंशनर, यानी कि आप कभी भी रिटायर्ड हुए हैं और आपका डेटा स्पर्स पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया है, तो सबसे पहले आपको चार चीजें अपडेट कर लेनी है और वो चार चीजें देख लेनी है कि आपके अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं। सबसे पहले आपका आता है आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और देखिए, इसका सारा डिटेल्स आपको पोर्टल में ही मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है कि यहां पर एक ऑप्शन आता है अपडेट पर्सनल डिटेल्स का, तो जस्ट ये अपडेट पर्सनल डिटेल्स वाले पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चार ऑप्शन आपको मिलता है, आधार नंबर, पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिसमें आपका आधार नंबर, पैन और मोबाइल नंबर एकदम मैंडेटरी है। ये आपके एज इट इज होना चाहिए, तभी आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होगा स्पर्स की तरफ से भी। और आपका अगर आधार कंसेंट अपडेटेड है तो आप इजी वे में अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्स पेंशन पोर्टल से ही अपडेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पैन कार्ड अगर अपडेटेड होगा तो आपकी जो सैलरी जो है वो प्रॉपर वे में आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना यही है कि आप रिटायर्ड कभी भी हुए हैं 2016 से पहले या 2016 के बाद, आपका आधार नंबर, पैन, मोबाइल और ईमेल प्रॉपर वे में अपडेटेड होना चाहिए। और अगर आपको फैमिली डिटेल्स या फिर डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स अपडेट करना है तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको वेट करना होगा जब तक स्पर्स की तरफ से फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। वैसे आप चाहें तो PCDA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कंप्लेन लॉज कर सकते हैं अपने किसी भी डिटेल्स से रिलेटेड। और इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है,
डिटेल में हमने ट्यूटोरियल बताया हुआ है, उसमें सारी चीजें हमने प्रॉपर वे में आपको बताई हुई है कि किस तरीके से आप अपने सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप इस फर्स्ट पेंशन पोर्टल में आ रहे हैं और आपको सारी चीजें अपडेट करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत्यकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।